अभी इस टाइम में दोस्तों React JS वर्सेस Next JS में से सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है? आपको पहले से सारी चीजें नहीं देती है। React हमें पहले से ये काम करके नहीं देता है, हमें एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है और इससे प्रॉब्लम ये होगी कि यूजर को वेट करना पड़ेगा। जो लोडर आता है वो काफी ज्यादा टाइम तक स्पिन करेगा, क्योंकि यूज होता है वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। आज के इस टाइम में दोस्तों React JS वर्सेस Next JS में से सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, ये एक बात है, और दूसरी बात पूरा देखना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। दोनों टेक्नोलॉजीज मैंने सीखी है, दोनों में काम किया है, तो दोनों का मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा और मैं आपको बेस्ट चीज ऐसी बताने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये एक वीडियो आज आपकी पूरी जो डाउट की जो क्वेरीज की जो लाइन है ना उसे मिटाकर रख देगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर React JS की। देखो दोस्तों, React JS एक लाइब्रेरी है, ठीक है? और लाइब्रेरी है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें काम करोगे तो ये आपको पहले से सारी चीजें नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, राउटिंग का काम करते हो, राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? क्या होता है, जो ऊपर URL होता है, फॉर एग्जाम्पल abcd.com करके मेरा एक डोमेन नेम है, ठीक है? उसके बाद स्लैश लगा के जो हम URL टाइप करते हैं, जो उसमें APIs होती है, ठीक है, जो राउट्स होते हैं, पेजेस के नाम हो सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसकी हमें राउटिंग करनी पड़ती है app.js में जाकर के। React Router DOM नाम की एक लाइब्रेरी है, उसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो React हमें पहले से ये काम करके नहीं देता है, हमें एक्सटर्नल और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए, राउटिंग करने के लिए, राइट? तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, लेजी लोड आउट। लेजी लोड आउट क्या होता है? अब देखो, अगर तुमने बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए हैं जो कि बनेंगे ही, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए हैं और उन सबको तुम app.js में असेंबल करते हो, राइट? असेंबल करते हो राउट के अंदर, राउट के अंदर असेंबल करते हो तुम कि किसका कौन सा चिल्ड्रन राउट होगा, किस पर क्लिक होने पर कौन सा राउट एक्सेस होगा, कौन सा कंपोनेंट ओपन होगा, तुम उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हो, करेक्ट? app.js में हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं और कंपोनेंट्स के लिए हम अलग से कंपोनेंट फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं अपनी नीड के अनुसार, जैसे कि नेवबार कंपोनेंट्स आ गया, कार्ड्स आ गए, है ना, फुटर, हेडर, ये सब चीजें आ गई। अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है, मेन बात ये आती है कि लेजी लोड आउट का कॉन्सेप्ट। लेजी लोड आउट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आप रिएक्ट में काम कर रहे हो तो रिएक्ट आपके सारे कंपोनेंट्स को एक साथ लोड करने की कोशिश करता है। app.js के अंदर जितने भी राउट्स आपने लगाए हैं वो सारे कंपोनेंट जितने आपने बनाए हैं सबको एक साथ लोड करने की कोशिश करेगा, जितनों को आपने app.js में इंक्लूड किया है, जितनों को आपने app.js के फाइल के अंदर आपने रखा है एज अ कंपोनेंट, जिनको आप राउट्स के अंदर यूज कर रहे हो, वो सबके कोड को एक साथ लोड करेगा। इससे होगा क्या, नुकसान क्या है? इससे नुकसान ये है दोस्तों कि जो क्लाइंट है, जो यूजर है वेबसाइट का, उसका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। किस कारण से? एक साथ बहुत सारा डेटा कंज्यूम होगा, स्पेस कंज्यूम होगा और वेबसाइट बहुत ज्यादा डेटा को एक साथ लोड करने का कोशिश करेगी, सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगा और इससे प्रॉब्लम ये होगी कि यूजर को वेट करना पड़ेगा। जो लोडर आता है वो काफी ज्यादा टाइम तक स्पिन करेगा, यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। अब इससे बचने का क्या सोल्यूशन है? तो इससे बचने का सोल्यूशन ये है कि हम रिएक्ट में लेजी लोड आउट की कोडिंग करते हैं app.js में जाकर के, कि जब हम किसी पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट पर क्लिक करें सिर्फ तभी उसका कोड लोड हो, अदरवाइज नहीं हो। इससे क्या है कि एक बेसिक कंपोनेंट जो सबसे पहले रेंडर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल होम का कंपोनेंट अगर रेंडर होना चाहिए तो सिर्फ वही रेंडर होगा, क्योंकि उसका रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली वेबसाइट का डोमेन टाइप होते ही हो गया है, ठीक है? अब उसके बाद अगर यूजर किसी भी XYZ कंपोनेंट पर, किसी भी XYZ नेवबार के एंकर पर क्लिक करता है तो वो तभी लोड आउट होगा जब यूजर उस पर क्लिक करेगा, अदरवाइज आपका इंटरनेट, आपका स्पेस नहीं लगेगा। तो ये है लेजी लोड आउट का कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया? अब वही एक और चीज भी है, देखो इसे कहते हैं हम क्लाइंट साइड रेंडरिंग। थर्ड चीज मैं आपको समझा रहा हूँ जो रिएक्ट की प्रॉब्लम है, क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है, ये SEO फ्रेंडली नहीं है दोस्त। SEO क्या होता है? SEO होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब SEO की जरूरत बहुत सारे लोगों को नहीं समझ पा रहा होगा भाई SEO क्या चीज है। तो देखो SEO बेसिकली क्या है गाइस, देखो SEO का यूज होता है वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। सर्च इंजन में वेबसाइट को अगर हमने रैंक करवाना है तो वेबसाइट के अंदर हमें जो मेटा टैग्स होते हैं हेड के अंदर, उनको हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, टाइटल्स इस हिसाब से रखने पड़ते हैं कि जब गूगल के सर्च बार में या किसी भी सर्च इंजन की सर्च बार में कुछ सर्च हो तो हमारी वेबसाइट पर अगर उससे रिलेटेड कंटेंट एग्जिस्ट करता है तो वो सबसे ऊपर आए, हमारी वेबसाइट रैंक करे गूगल के टॉप पेजेस में, राइट? सबकी यही इच्छा होती है ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। एक IT कंपनी की भी यही इच्छा होती है कि उनके क्लाइंट्स का बिजनेस ग्रो करे ताकि उनकी कंपनी ग्रो करे, समझ रहे हो? तो SEO फ्रेंडली नहीं है रिएक्ट, लेकिन नेक्स्ट चीज SEO फ्रेंडली है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। React JS काम करता है दोस्तों क्लाइंट साइड रेंडरिंग के बेस पर, CSR के बेस पर, और नेक्स्ट JS जो है ना वो काम करता है SSR पर, सर्वर साइड रेंडरिंग पर काम करता है। अब इसका मतलब क्या है और इसके अंदर क्या मतलब डिफरेंस क्या है बताता हूँ। देखो क्लाइंट साइड रेंडरिंग कैसे पता चलेगी, जब तुम इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाओगे ना
तुम्हें तब जा करके जो JSX का कोड है, JavaScript XML का कोड है, जो कि HTML जैसा दिखने वाला सिंटैक्स है, मगर वो एक्चुअली में JavaScript के शब्दों में लिखा गया HTML है, इसीलिए हम उसे JSX कहते हैं। तो जब तुम उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे ना, तब तुम्हें क्या दिखेगा कि JSX को JavaScript ने कन्वर्ट कर दिया HTML के टैग्स में और अब वहां डिस्प्ले किया जा रहा है, वो तुम्हें इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाई देगा। तुम कभी भी व्यू पेज रिसोर्सेज निकाल के देखना, व्यू पेज रिसोर्सेज में तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। HTML का टैग जो तुमने JavaScript XML में रिजेक्ट में लिखा है वो तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। लेकिन तुम वही सेम चीज Next.js में करना और तुम्हें क्या होगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट में दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम व्यू पेज रिसोर्सेज करोगे तो तुम्हें वहां दिखाई देगा। अब तुम कहोगे कि भाई फर्क क्या है, फर्क क्या है, काम तो हो रहा है ना, काम हो रहा है हमारा, व्यू पेज रिसोर्सेज में दिखाई दे या फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट में, फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है दोस्त। फर्क ये है कि जब कोई चीज व्यू पेज रिसोर्सेज में दिखाई देती है, तब उसका मतलब समझ जाना कि वो सर्वर से रेंडर होकर आ रही है, यानी कि सर्वर ने अपने पास ही जावास्क्रिप्ट के XML को HTML कोड में कन्वर्ट करके उसे SEO फ्रेंडली बना दिया और उसके बाद ब्राउजर पर भेजा। ब्राउजर पर आउटपुट बाद में गया, पहले वो HTML में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद सर्वर ने उस HTML को प्रोसेस करा है ब्राउजर पर, ना कि JavaScript के कोड को। और JavaScript का कोड कभी भी SEO फ्रेंडली नहीं होता है, SEO फ्रेंडली HTML होता है। जब भी आप कोई चीज सर्च करोगे गूगल पर, किसी भी सर्च इंजन पर, तो वो जो सर्च के पैरामीटर में आपने जो क्वेरी डाली है ना, वो क्वेरी कहाँ मैच की जाएगी, किसी भी वेबसाइट के HTML कोड के अंदर, उसके हेड में, उसके H1 टैग्स में, उसके पैराग्राफ्स में, उसके एंकर्स में, वहां मैच की जाती है। अगर वहां वैल्यू मिल रही है तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, वो SEO फ्रेंडली है। लेकिन JavaScript में तो होगा नहीं ये चीज, JavaScript में तो हम करते ही नहीं काम, ये तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि React.js SEO फ्रेंडली नहीं है, तो उसके एप्लीकेशंस को, React.js के एप्लीकेशंस को SEO फ्रेंडली हमें बनाना पड़ता है, फोर्सफुली बनाना पड़ता है, अलग से काम करना पड़ता है उस पर। लेकिन Next.js SEO फ्रेंडली है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि जो JavaScript XML का कोड है उसको पहले HTML में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसके HTML टैग्स बना रहा है और फिर उस HTML टैग्स के फाइल को रेंडर करके ब्राउजर पर भेज रहा है। इसका मतलब अब आप कुछ सर्च करोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, वो SEO फ्रेंडली बन चुकी है माय फ्रेंड। लेकिन Next.js इसीलिए इतना अच्छा माना गया है, और जो React है वो इन चीजों में पीछे है। बेसिकली React.js का एनहेंस्ड वर्जन, बेसिकली React.js का इम्प्रूव्ड वर्जन ही Next.js है, कोई और दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अलग से धरती पर नहीं आई है। ये Next.js का जो Next.js है ये React.js की इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है। और हाँ, तुम्हें बता दूं एक बात और, एंगुलर में भी ये प्रॉब्लम है, एंगुलर भी SEO फ्रेंडली नहीं है, वो भी क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता है। इसलिए एंगुलर और रिएक्ट दोनों ही ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग करने वाली चीजें भी SEO फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। और वही Next.js इन दोनों से बेहतर है, क्योंकि वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग नहीं करता, वो सर्वर साइड रेंडरिंग करता है, ऐसे SSR पर काम करता है। तो तुम किसी IT कंपनी में जाओ और तुमसे इंटरव्यूअर ये पूछ ले कि भाई मुझे ये बताओ SSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग और SSR इनमें क्या डिफरेंस है, तो तुम बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और चीज आती है, बहुत छोटा सा फीचर है, उसे कहते हैं हॉट रीलोड का फीचर। देखो, जब हम रिएक्ट में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये अभी रिएक्ट का एक कोड है पीछे, अभी क्या होगा कि अगर मैं इसमें कुछ भी काम करूँ और यहाँ पर फाइल को जैसे ही सेव करूँगा, ब्राउजर पर ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा, उसे कहते हैं हॉट रीलोड टेक्नोलॉजी। और इसकी वजह से प्रॉब्लम बस कभी कभी क्या आती है, डेवलपर्स के लिए ये फीचर बंद किया गया है। एक्चुअली इससे क्या होता है कि देखो, हम जब कोड कर रहे हैं तो कभी कभार हमें रिजल्ट नहीं दिखते, तो हमें बार बार रीलोड करना पड़ता है। ऑटोमेटिक रीलोड्स में हम, या तो कभी ऐसा हो जाता है कि हमने यहाँ पर कुछ एडिट किया, कुछ हमने चेंज किया, जैसे कि मैंने यहाँ कुछ भी चेंज किया, और ऐसा हो सकता है कि ब्राउजर पर वो चीज़ बहुत फटाफट है ना रीलोड हो जाए और मुझे चेंजेस ही पता ना चले, एज अ डेवलपर मुझे पता ही ना चले कि मैंने क्या किया था और क्या चेंज आ गया, यार समझ ही नहीं आया क्या हो गया। तो डेवलपर को बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसी चीज़ों में काम करने में। तो उस चीज़ को सॉल्व करते हुए Next.js के डेवलपर्स ने क्या किया कि हॉट रीलोड का जो टेक्नोलॉजी था उसे बंद कर दिया, हॉट रीलोड को बंद कर दिया है। अब हॉट रीलोड है नहीं, तो होगा क्या कि अब आपको जब भी यहाँ आप काम करोगे और आप किसी कोड को सेव करोगे कंट्रोल एस करके, तो आपको ब्राउजर में जाके रिफ्रेश बटन या तो क्लिक करना पड़ेगा या फिर कंट्रोल आर से उसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो हॉट रीलोड को कम्प्लीटली हटा दिया गया है Next.js में से। तो Next.js बेसिकली नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि अगर खुद की वेबसाइट बना रहे हो, क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो, या कंपनी में जॉब करने के लिए अगर आप कोई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हो, तो React.js से बेहतर टेक्नोलॉजी है Next.js। Next.js पर फोकस करो, क्योंकि ये SEO फ्रेंडली है, इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और ये आपको ना एक राउट्स का भी देता है। Next.js की सबसे बड़ी खासियत मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस नाम से तुम कंपोनेंट का फाइल बनाओगे, अगर वही फाइल का नाम तुमने ऊपर URL के बाद स्लैश लगा के लिख दिया, तो वही राउट बन जाएगा। मतलब तुम्हें अलग से राउटिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है, राउटिंग करने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया Next.js ने, तुम्हें पहले से राउटिंग करके दे रहा है। फाइल का नाम ही तुम्हारा राउट है, तुम्हें राउटिंग का कोड ही नहीं लिखना। तो इतनी आसान कर दिया इसने तुम्हारे लिए कोडिंग को, कितना ज्यादा आसान कर दिया, तुम खुद से सोचो। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है React.js में और Next.js में। आई होप गाइस आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि React.js अच्छा है या Next.js अच्छा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब हमें React.js सीखना ही नहीं चाहिए, React.js किसी काम का ही नहीं है, Next.js अगर सारे काम कर रहे हैं तो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आपको रिएक्ट जेएस सीखना चाहिए, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रिएक्ट में बन चुके हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बन चुकी हैं, उनको मेंटेन करने के लिए रिएक्ट जेएस के डेवलपर ही लगेंगे, रिएक्ट जेएस में काम करने वाला बंदा ही लगेगा। हम ऐसा नहीं है कि रिएक्ट जेएस का डेवलपर अलग है, नेक्स्ट जेएस का अलग है। ऑब्वियसली जिसने रिएक्ट सीखा उसको नेक्स्ट आता होगा, जिसने नेक्स्ट जेएस सीखा है उसको रिएक्ट आता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्ट के अंदर जो कुछ काम करने का तरीका है वो आपने सीख लिया है तो वो आपकी नॉलेज वेस्ट हो गई है, आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप सीखो, रिएक्ट भी सीखो, लेकिन हाँ फोकस नेक्स्ट जेएस पर रखना। अच्छी टेक्नोलॉजी है और आने वाले टाइम में लंबे समय तक टिकेगी, और इसमें आपको पैकेजेस अच्छे मिलेंगे, आपको अच्छा मतलब कंपनी पे करेगी इसमें, और आपकी जो एक जॉब सिक्योरिटी वाली बात होती है ना वो इसमें है, और अच्छी टेक्नोलॉजी है, एसईओ फ्रेंडली है, कम मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे रिजल्ट्स देगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये रिएक्ट और नेक्स्ट के अंदर क्या डिफरेंस है इसका फंडा क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प करी है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और मेरी मेहनत को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।